भाटिया आपकी टर्न है, आपको मैं मौका देता हूं अपनी बात को रखने का, 50 सेकंड आपके पास है। और क्योंकि गौरव भाटिया के विरोध में दो दल है तो बराबर का मौका सबको मिलना चाहिए। गौरव भाटिया, सीधा सवाल है आपसे, वो कह रहे हैं कि आप अपने प्लान में फेल हो गए, लेकिन अखिलेश यादव जी ने कुछ पत्ते खोल दिए हैं, कहा कि कांग्रेस जातिगत जनगणना वोट के चक्कर में करा रही है और जो हमें धोखा दे सकती है वो आपको नहीं देगी, यानी जनता को नहीं देगी धोखा। गौरव देखिए अमी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, अखिलेश यादव जी ने अपनी ताश के पत्ते खोले, 52 पत्ते खोले, उसमें से एक जोकर भी निकला और वो जोकर वो था जिसके लिए अखिलेश यादव ने आज ही कहा है कि भैया कांग्रेस पार्टी पे यकीन न करना, बहुत ही चालू पार्टी है। इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था, अरे चिरकुट नेता हैं जो प्रदेश अध्यक्ष के हैं कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में, और राम गोपाल यादव जी ने बोला छुटपुट नेताओं की बात ना करना, तो ये तो एक ताश के पत्ते खुले। इधर कांग्रेस के ताश के पत्ते भी खुले थे। कमलनाथ ने बोला अरे छोड़ो अखिलेश वखिलेश, कहां पड़े हो चक्कर में अखिलेश वखिलेश। सोचिए, मैं तो इतना ही कहूंगा, बड़ा दर्द होता है कि पूर्व मुख्यमंत्री को दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री कहे वखिलेश जी, जी। अरे सम्मान के लिए राजनीति में है, जनता की सेवा करने के लिए है, लेकिन अखिलेश यादव की इज्जत तो कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी खुद नहीं कर रही है जी, और अजय राय ने तो हद ही कर दी। ठीक है, अजय राय ने तो कहा जो बाप का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। 60 सेकंड, 60 सेकंड। मैं तो ये कहूंगा इस तरह की टिप्पणी अगर की जा रही है जी 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 तो अपने सम्मान को बचाने के लिए। अभी 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 60 सेकंड, अभी 60 सेकंड हो गए, 70 सेकंड हो गए, यू मेड योर पॉइंट। ओके रोहित अग्रवाल, मैं आपका रुख करता हूँ और फिर मैं असीम वकार आपके बताऊंगा। रोहित अग्रवाल, कल तक बीजेपी कहती थी तो बीजेपी झूठ बोल रही है, बीजेपी धोखेबाज पार्टी है, अब तो आपके अलायंस के घटक दल कह रहे हैं, तो क्या वो भी धोखा दे रहे हैं? कल तक आप असीम वकार को बोलते थे, जब असीम वकार बोलते थे कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस का कुछ नहीं होने वाला, तब आप उनको भी कहते थे ये बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है, कोई जो भी टीम आप बोलते थे, लेकिन अब बी सी डी ई एफ जी एच, ये कौन सी टीम है, कौन सी टीम खेल रही है? मैं आपसे रोहित जी जानना चाह रहा हूं, आराम से जवाब दीजिए, 60 सेकंड है आपके पास। देखिए, सबसे पहले तो अब एक बात सबसे पहले क्लियर हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ना नीयत है ना नीति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही अभी कल तक ये कह रही थी कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, और अब अमित शाह जी क्या कह रहे हैं? अमित शाह जी कौन है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता हैं। उसके बाद अगर वो ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना तो हमने ही करवानी थी, हमारी सरकार चली गई इसलिए हम नहीं करवा पाए, तो पहले तो डिसाइड कर लो भैया जातिगत जनगणना करानी है कि नहीं करानी है, सही है कि गलत है। तो आपके पास तो ना नियत है ना नीति है, आप तो विपक्ष की नीतियों के ऊपर आप काम करना चाहते हो। विपक्ष ने अगर ये पॉइंट पकड़ा कि आप तुरंत दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, अति पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ आप अत्याचार कर रहे हो और उनके हक को मार रहे हो, आप पहले तो चिल्लाते रहे नहीं जी हम सब सही कर रहे हैं, अब आप इस चीज को खुद मान रहे हो कि हाँ हमने अत्याचार किया है और जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो चलिए स्वागत है, कम से कम आप हमारी बात को समझे तो, क्योंकि जनता की बात तो आपने समझी नहीं। भाई आप किस पे बात करते हो? आपको इंडिया अलायंस की ज्यादा चिंता है, पर आप इस पे बात नहीं करते हो कि महंगाई को जनता कह रहा रही है, आप इस पे बात नहीं करते हो कि भ्रष्टाचार आपका चरम पे है, आप इस पे बात नहीं करते हो कि महिला उत्पीड़न आपकी सरकार के चरम पे है। 65 सेकंड ले लिया आपने भी अपनी बात को रखने में। एक आपके जवाब से मुझे एक बात याद आई और एक मुहावरा याद आया, पतली गली से निकलना। सवाल क्या पूछा और पतली गली से आप कैसे निकल गए वो जरूर मुझे याद आया, आगे आपको मौका मिलेगा तो जवाब दीजिएगा आप जरूर। लेकिन असीम वकार, मैं आपके पास आता हूं, आज आप खुश नजर आ रहे हैं, आपको लग रहा है जो हम कह रहे थे खुद आज अखिलेश जी कह रहे हैं और रोहित जी के पास तो जवाब भी नहीं है, तो आपकी मुस्कुराहट कई सारे जवाब दे रही है। सर हम तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं जी, हमारा एक फार्मूला है कि हंसते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए, जो घट गया है उसको भूल जाइए, जो होने वाला है उसकी तैयारी कीजिए। ये अमित शाह साहब ने कहा कि हम तो जातिगत जनगणना कराना चाह रहे थे, तो खाली बिहार में थोड़ी ना, आपकी सरकार तो बहुत सी स्टेट में है जी, लगभग 12-13 स्टेट में है,
आप कराइए, वहां कौन मना कर रहा है आपको? खाली बिहार में ही कराना चाह रहे थे आप, और बाकी जगह नहीं कराना चाह रहे थे? ये सवाल देश पूछ रहा है, देश के जो पिछड़े अति पिछड़े आदिवासी दलित, ये सवाल पूछ रहे हैं अमित शाह साहब से कि खाली जाति का जनगणना बिहार में आपको क्यों याद आ रही है, मध्य प्रदेश में क्यों याद नहीं आ रही है, बाकी और जगह पे याद क्यों नहीं आ रही है, जहां जहां आपकी सरकार है वहां याद क्यों नहीं आ रही है? जी जी सर, अमित शाह साहब देश के गृह मंत्री हैं, उनकी इस बयान से कि जातिगत जनगणना कराना चाह रहे हैं, उससे एक बहुत बड़ा सा सहूलत मिली आप लोगों को जी, मीडिया के लोगों को, कि अभी तक आप लोग विरोध कर रहे थे, अब आप लोग आकर लाइन में खड़े हो गए। 60 सेकंड अगर पूरे हो गए हो तो मैं चुप हो जाऊं, 60 सेकंड कंप्लीट हो गए, 60 सेकंड से ऊपर 5 सेकंड हो गए, मैं फिर आगे आपको मौका दूंगा। गौरव भाटिया रिप्लाई, असीम वकार ने एक वाजिब बात बोली, उन्होंने बोला देश भर में आपकी कई सारी सरकारें हैं, कई प्रदेशों में सरकारें हैं, देश में सेंटर में आपकी गवर्नमेंट है, तो आपके पास तो मौका ही मौका है, तो वहां क्यों नहीं करवा लेते जहां पर फुल फ्लेज आपकी सरकार है? लेट स्टार्ट फ्रॉम यूपी, उत्तर प्रदेश में करा लीजिए, कौन रोकता है आपको? अमित जी मैं आपको कुछ तथ्य बताता हूं, आपने आज जब इंट्रोडक्शन दिया तो कहा एम वाई, अभी स्क्रीन पे भी चल रहा है, इनके लिए एम वाई राजनीति क्या है? मुसलमानों की और यादवों की, और नरेंद्र मोदी जी ने एक नई परिभाषा जड़ी है, वो क्या है? वो परिभाषा है म से महिला और वाई से यूथ, महिला और यूथ, युवाओं को सशक्तिकरण करना, उनके सम्मान की रक्षा करना, उनको आगे बढ़ाना और मुख्य धारा से जोड़ना। लेकिन देखिए, जब पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं और केवल धार्मिक ग्रंथ कुरान पढ़ेंगे तो यही होता है। इन्होंने एक बात उठाई, इन्होंने कहा एक प्रदेश में क्यों कराएंगे, सभी प्रदेशों में जातिगत जनगणना कराएं। पहले तो जातिगत जनगणना और सर्वे का फर्क जानिए। जातिगत जनगणना जो है वो केंद्र की सरकार कराती है और सर्वे प्रदेश की सरकार कराती है, और इनको ये भी तथ्य नहीं पता है कि ये जो बिहार ने जातिगत सर्वे कराया अमीर जी, जी तो जी। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का ही ये निर्णय था, ये निर्णय लालू प्रसाद यादव का नहीं है, लालू प्रसाद यादव जो है उस सरकार का हिस्सा नहीं थे, और लालू प्रसाद यादव का परिवार हो या RLD का परिवार हो या समाजवादी पार्टी का परिवार हो या AIMIM का परिवार हो, मैं तो आपके चैनल पे चुनौती दे रहा हूं, अपने परिवार के बाहर के सदस्य को जवाब अध्यक्ष नहीं बना पाए, ये लोग जातिगत जनगणना कराएंगे, ये लोग OBC को आगे बढ़ाएंगे। अरे आप बताइए AIMIM में कौन है भैया? जवाब परिवार का कोई नहीं। आसिम वकार जवाब, देखिए MY दिख गया इनको, देखिए MY आपने नाम दिया, ये कह रहे हैं मैंने नहीं दिया, MY फार्मूला दिया, अमित शाह ने यही बोला, अमित शाह ने यही बोला कि MY का समीकरण बढ़ा दिया गया है, यानी उनकी जनसंख्या को बढ़ा दिया गया है। नहीं नहीं सर, सर कितनी देर लगती है भारतीय जनता पार्टी को दूसरों के नामों पर और दूसरों के कामों पर कब्जा करने में, जैसे उत्तर प्रदेश लखनऊ की मेट्रो पे कब्जा कर लिया, जिस तरह से एक्सप्रेस वे पे कब्जा कर लिया, वैसे एक सेकंड लगेगा MY को, मोदी एंड योगी, MY जी मोदी योगी, MY हो गया कब्जा। सर BJP के लिए कितनी बड़ी बात है, एक लाइन में कब्जा करते हैं धड़ाम से सब कुछ इनका। मैंने देखिए बहुत छोटी सी बात कही थी कि भारत सरकार चाहे तो जातिगत जनगणना करा सकती है, और BJP की जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो चाहे तो जातिगत सर्वे करा सकती हैं। खाली बिहार को क्यों रह रहे हैं आप, यूपी में क्यों नहीं करा रहे हैं, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं करा रहे हैं? सर सर सर, अगर आप जाति के खिलाफ हैं और आपकी नज़र में सब हिंदू हैं, तो पल्लवी पटेल को आपने जाति के आधार पर बनाया है, रामदास अठावले को आपने जाति के आधार पर बनाया है, सर ओम प्रकाश राजभर को आप जाति के आधार पर लिए हुए हैं, संजय निषाद को जाति के आधार पर लिए हैं जी, दारा सिंह चौहान को जाति के आधार पर आप लेकर आए हैं, और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जनाब योगी आदित्यनाथ जी जाति के आधार पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं।
और अगर जातियां खत्म कर देंगे सर, पर योगी आदित्यनाथ तो महंत, योगी आदित्यनाथ की कोई जाति नहीं, योगी आदित्यनाथ एक महंत है, एक महंत है। और जब व्यक्ति महंत हो जाता है तो उसकी जात नहीं रहती, उसकी जाति नहीं रहती। अक्सर कहा जाता है जात तब पूछो साधो। सर सुन तो लीजिए। जी जी जी, दस सेकंड गौरव भाटिया वेटिंग। अरे सर, सर योगी जी खुश हो गए होंगे आपकी बात सुनकर कि कोई तो है उनकी पैरवी करने वाला जो उनकी बात कर रहा है बिना मतलब अपॉइंट किए हुए। सर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर जातीय समीकरण खत्म कर दिया जाएगा तो हिंदुस्तान से खूबसूरती खत्म होगी और एक जाति विशेष का सब कुर्सियों पर, सारी कुर्सियों पर कब्जा हो जाएगा। जी, अगर सारी कुर्सियों पर एक जाति को बिठाना चाहते हैं तो आप अमित शाह साहब की बात मान लीजिए, वरना अगर आप अपनी जवाब गौरव भाटिया जवाब घरों की गौरव भाटिया रिप्लाई गौरव भाटिया।